उल्लासनगर के सामाजिक संस्था श्री सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से आरोग्य आपके द्वार इस अभियान के अंतर्गत कल्याण में मुफ्त मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक की शुरुआत की गई है। कल्याण की पिसौली, आडोली और दावड़ी में गली गली जाकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। बढ़ती महंगाई में लोगों के स्वास्थ्य का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषित वातावरण ने हर किसी को किसी न किसी बीमारी से पीड़ित कर रखा है, जिसके चलते डॉक्टरों और अस्पतालों का बिल चुकाने में आम आदमी की कमर टूट जाती है। मोहल्ला क्लिनिक में मामूली सर्दी बुखार जैसे रोगों की दवाई कराने में भी 300 से 500 रुपए का खर्च हो जाता है। यही कारण है कि गरीब लोगों को मुफ्त में उपचार और औषधि मिले, इस मकसद से श्री सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट ने आरोग्य आपके द्वार एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एम्बुलेंस के जरिए हर रोगी के दरवाजे पर जाकर उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। 14 अप्रैल के दिन इस योजना की शुरुआत कल्याण के अडोली में स्थित नेताजी नगर से की गई। 15 अप्रैल को पिसौली और 16 अप्रैल को दावड़ी में अभियान चलाया गया, जहां एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर विकास यादव और उनकी टीम ने लोगों की जांच कर उन्हें निःशुल्क औषधि प्रदान की। बता दें कि अडोली में विवेकानंद पांडे, पिसौली में तुकाराम भोईर और दावड़ी में डॉक्टर आर डी गौतम, रमेश यादव और सागर दुबे की देखरेख में ये मुहिम कुशलतापूर्वक चलाई गई। पिसौली के वरिष्ठ नागरिक तुकाराम भोईर ने इस अभियान के लिए श्री सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट का आभार प्रकट किया, तो वहीं डॉक्टर आर डी गौतम ने बताया कि अडोली पिसौली ये क्षेत्र में अधिकांश मजदूर एवं गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिनके लिए मुफ्त एम्बुलेंस क्लिनिक लाभदायक है, इससे उनका पैसा बचेगा, ऐसी बात डॉक्टर आर डी गौतम ने कही। ऐसा उद्देश्य ऐसा है कि अपने एरिया आज गरीब जनता रहते अन गो गरीब जनतेला आज मेडिसिन भरपूर महाग है, म्हणून त्याचा लाभ मिळावा म्हणून आपल्या एरियातले डॉक्टर जयप्रकाश शुक्लाजी यांनी प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नाला भरपूर यश आलेलं आहे आणि जनतेचा सुद्धा चांगला प्रतिसाद आहे आणि ही मोफत सेवा दर शुक्रवार आणि दर मंगळवारी इथे मोफत पुरवली जाईल आणि ती सेवा ही सत्य श्री सत्य साई चॅरिटेबल यांच्यातर्फे ही योजना आयोजित करण्यात आलेली आहे। अपना जो क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे बहुसंख्यक लेबर वर्क के लोग, कामगार कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो अपनी मजबूरियों के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि दर्द बुखार होने के बाद, तकलीफ में रहने के बाद भी डॉक्टर के पास जाने की उनकी क्षमता नहीं। तो इसका मैं समझता हूँ कि ये सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अभियान चला है लोकहित में, जनहित में, काफ़ी ग्रामीण इलाके में कमजोर निर्बल दुर्बल लोगों को इसका सहयोग मिलेगा और उसकी उपयोगिता जो है भरपूर लोग उठाएं, भरपूर लोग तक उसकी सुविधा पहुंचे, उसका लाभ पहुंचे, ऐसा हम लोग भरपूर प्रयत्न करें। निशुल्क एम्बुलेंस क्लिनिक के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ला ने सभी लोगों से इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की अपील की है। श्री सत्यसाई चैरिटेबल ट्रस्ट उल्लासनगर की माध्यम से मोबाइल एम्बुलेंस दवाखाना की शुरुआत आडिवली गांव, पिसौली गांव और दावड़ी गांव, तीन गांव का चयन शुरुआती दौर पे हमने किया है। पिसौली गांव के लिए हमने एक समाजसेवक चुना है श्री तुकाराम भोईर जी, दावड़ी गांव के लिए डॉक्टर गौतम जी हैं और विवेकानंद पांडे जी आडिवली गाँव को संभालेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि यह मोबाइल वैन जो चैरिटेबल साई सत्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है, लोगों को समुचित उपचार दिया जाए और फॉलोअप ठीक से होते रहे, बस यही हमारी कामना। मैं लोगों से अपील करूंगा इस दवाखाना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद।